आज हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी, मींस पूंजीवादी जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मनी की क्या वैल्यू है, महत्व उसके क्या है। और इससे पहले मैं बता रही हूँ कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी ये तीनों तरह की इकोनॉमी पे मैंने प्रीवियस ईयर्स हमारे अपलोड हैं, थ्योरी सेशन है, पूरा कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कितनी तरह की इकोनॉमी होती हैं, उसके क्या क्या कार्य हैं। तो जिन्हें भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकता है, इसमें हम सिर्फ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ये आपके टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1 रुपी नोट इज इंडिया इज इशूड बाय या साइंड बाय, भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित की होता है। ए बोल रहा रिजर्व बैंक गवर्नर, रिजर्व बैंक गवर्नर के द्वारा। बी ये कहता है फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्तीय सचिव के द्वारा। सी कह रहा फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री के द्वारा। कि डी है चेयरमैन ऑफ SBI। तो 1 रुपी नोट है जो इंडिया में वो साइंड होता है फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा, वित्तीय सचिव के द्वारा होता है। मीन्स भारत में जो मुद्रण का कार्य होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, परंतु भारत में जो कॉइन्स और जो 1 रुपये का जो नोट होता है उसका कार्य जो है वित्त मंत्रालय स्वयं करता है। मीन्स अभी इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि 1 रुपये और 1 रुपये कॉइन्स कौन इशू करता है। 1 रुपये के नोट पर जो होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है, जबकि सारे और नोटे पर जिनका RBI करता है और रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो हमें क्या पता चला कि जो 1 रुपी नोट होता है वो कौन साइन करता है, दैट इज साइन बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी, द वित्तीय सचिव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता का दुष्टय बचत की मांग एवं पूर्ति दोनों को प्रभावित करता है, इस विचार का आरंभ हुआ। पहला फिशर ने, एडम स्मिथ से, आर नक्स ने कि मार्शल ने। निर्धनता का दुष्टय जो होता है वो डिमांड और सप्लाई दोनों को अफेक्ट करता है, इस विचार में से स्टेटमेंट का स्टार्टिंग कब से हुआ। तो ये स्टार्टिंग जो कब से हुआ, आर नक्स ने किया। बेसिकली निर्धनता का जो दुष्टय बचत की मांग डिमांड और सप्लाई दोनों पर अफेक्ट पड़ता है, इस विचार में प्रारंभ प्रोफेसर नक्स में हुआ। नक्स ने निर्धनता की दृश्य की व्याख्या निर्धनता के दुष्टय के रूप में करते हुए किया है। बेसिकली इसने बताया है कि जो चक्रीय रूप से संबंधित होते हैं तथा जिसका आउटपुट क्या होता है, लगातार निर्धनता तथा अल्प विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक पैनल दिया है कि इसमें पूंजी की कमी, अल्प विकास, तो ये इसका चार्ट है। नेक्स्ट है ग्रेसन्स का नियम। ग्रेसन्स के नियम पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है कि ग्रेसन्स के नियम जो कि इसने लाया है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, किस सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, वो आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। पहला क्वेश्चन कहता है ग्रेसन्स का नियम संचालित होता है जब जहाँ विकसित बैंक प्रणाली है। बी कहता है सरकार में जनता का पूर्ण विकास है। सी कहता है जब वो झड़की है। और डी कह रहा मुद्रा की मांग पूर्ति से आधित है। तो ग्रेशम का नियम तब लागू होता है जब क्या होता है, वो झड़की है। मींस ग्रेशम का नियम कब अप्लाई होता है, जब अल्पकाल की अवधि में संचालित होता है, जब ग्रेशम्स नियम संचालित होता है। ग्रेसन्स के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अच्छी मुद्रा माना जाता है। देखिए ग्रेसन्स के नियम में कहा कि बुरी मुद्रा जो होती है अच्छी मुद्रा के सर्कुलेशन से बाहर कर देती है, ये ग्रेसन्स ने दिया। तो ये जो इन्होंने अच्छी मुद्रा माना जाता है ग्रेसन्स के अनुसार से क्या माना जाता है, तो ये प्रमाप मुद्रा मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ग्रेसन्स के अनुसार से प्रमाणित या प्रमाणिक या प्रमापित या प्रमाप मुद्रा को अच्छी मुद्रा माना जाता है, अर्थात पत्र मुद्रा और धातु मुद्राएं साथ साथ चलती हैं, और धातु की मुद्रा प्रमाणिक मुद्रा हो तो मुद्रा क्या है घटिया, और धातु मुद्रा क्या हो जाएंगी बढ़िया होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, मीन्स क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड एज अ वर्स मनी अकॉर्डिंग टू ग्रेसन्स लॉ। कहता है कि इसमें से कौन सा ऐसा नियम के अनुसार कौन सी सबसे बुरी मुद्रा होगी। पहला कह रहा है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। बी कह रहा है कन्वर्टेबल पेपर मनी, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। नेक्स्ट है नॉन कन्वर्टेबल पेपर मनी, और डी है फेट मनी। तो कन्वर्टेबल पेपर मनी जो होती है वो क्या होती है, सबसे वर्स्ट मनी होती है अकॉर्डिंग टू ग्रेसन्स लॉ के द्वारा बताया गया है। सर थॉमस ग्रेसन्स ने महारानी जो एलिजाबेथ को आर्थिक मीन्स इकोनॉमिक परावर्स के रूप में बताया था कि जो हमारी बैड मनी होती है वो एक अगर सीमित नहीं है तो जो गुड मनी को चलन से क्या करती है वो बाहर कर देती है, और ग्रेसन्स के नियम के अनुसार ये क्या होती है, एक कन्वर्टेबल मीन्स परिवर्तनशील पत्र मुद्रा होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के मूल्य निर्धारण का सिद्धांत है। मुद्रा का वस्तु सिद्धांत, मुद्रा का राजकीय सिद्धांत, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी मुद्रा जो है मूल्य निर्धारण का सिद्धांत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो इसका हो जाएगा। बेसिकली इस सिद्धांत में मुद्रा के मूल्य निर्धारण का सिद्धांत है और मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संबंधित सूत्र फिशर ने प्रतिपादित
किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फिशर का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का समीकरण है? पी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम बाई टी, पी इज इक्वल टू एम बाई टी, पी इज इक्वल टू एम बाई के आर की पी इज इक्वल टू एन अपॉन के प्लस आर। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पी, जो होता है मुद्रा परिणाम सिद्धांत के अंतर्गत फिशर्स का ये रूल दिया गया था, जिसमें पी होता है प्राइस लेवल, एम जो होता है मनी जो हमारी सर्कुलेशन में है, वी होती है वेलोसिटी ऑफ मनी, एम जो होती है क्रेडिट मनी, एंड वी वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी, और टी होता है आपका ट्रांस सेक्शंस। ठीक है, तो यही होता है इसका, फीसर्स ने फॉर्मूला दिया था कि परिमाण सिद्धांत का क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से देखेंगे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होते हैं। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पे मैंने ऑलरेडी थ्योरी मेरा चैनल पे अपलोड है, जैसे भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होते हैं तो वो देख सकता है। पहला कह रहा, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेन करेंसी रिजर्व्स ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश में विदेशी मुद्रा भंडार के मुख्य घटक हैं फॉरेन करेंसी एंड गोल्ड विथ आरबीआई, आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा एवं स्वर्ण, बी है गोल्ड रिजर्व विथ गवर्नमेंट, सरकार के पास स्वर्ण भंडार, सी है डिपॉजिट्स विद एसबीआई, एसबीआई के पास जमाएं, डी है एसेट्स ऑफ एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक की परिसंपत्तियां। फॉरेन करेंसी जो रिजर्व होती है अपनी कंट्री में, उसके क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं? तो बेसिकली इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, वो होते हैं आरबीआई के, आरबीआई प्लस जमा विदेशी मुद्रा। मीन्स इसके प्रमुख घटक ये होते हैं कि जो आरबीआई जो होते हैं, आरबीआई के पास जो डिपॉजिट्स रहते हैं विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण। तो भारत में जो होता है विदेशी मुद्रा का संरक्षण तथा विनिमय आरबीआई क्या होता है, आरबीआई करता है। वर्तमान में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार अपने सर्वोच्च स्तर पर US$550 बिलियन है, जिसका फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स जो है इतना है, तथा 16 बिलियन बाकी अन्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द प्रोसेस ऑफ डिस इन्फ्लेशन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रा अवस्फीति की प्रक्रिया में मुद्रास्फीति की दरें क्या होती हैं? डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन कॉन्स्टेंट, नन ऑफ दिस। डिस इन्फ्लेशन का सिचुएशन क्या होता है, ऐसी केस में क्या होता है, हमारी क्या होती है रेट जो महंगाई है वो घटती रहती है। मीन्स जब देश में डिसइन्फ्लेशन आता है, मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, तो उसे समान स्तर पर लाने के लिए मुद्रा की मात्रा में कमी की जाती है। मैंने टाइप्स ऑफ डिफ्लेशन अपने चैनल पे अपलोड किया, उसे आप देख सकते हैं। तो मुद्रा की मात्रा में कमी की जाती है, जिसे मुद्रा अस्फीति कहा जाता है, मीन्स डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है, और ऐसी केस में वो क्या करता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट, पहले कंडीशन ऑफ द फॉलोइंग इज सोन इन इम्प्रूवमेंट इन रेगुलर डिक्लाइनिंग प्राइस लेवल, मीन्स मूल्य स्तर में होने वाली जो नियमित गिरावट के सुधार में किस स्थिति को दर्शाता है? इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन की, रिफ्लेशन की, नन ऑफ दी। वो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारी रेगुलर जो क्या होती है प्राइस लेवल में चेंजेस आते हैं? तो ऐसी सिचुएशन को हम रिफ्लेशन कहते हैं, जिसे मुद्रा संपत्ति कहते हैं। इसका मतलब ये होता है जिसमें गिरावट में सुधार की स्थिति को दर्शाता है, और अन्य शब्दों में हम कहें दूसरे वर्ड में कि मुद्रा संकुचन की स्थिति को सुधारने के लिए जानबूझ करके मुद्रा की मात्रा में, क्वांटिटी में हम इंक्रीजमेंट करते हैं, और जो वस्तुएँ और जो सर्विसेज होते हैं उसकी मूल्य में कमी की जाती है, इसलिए हम मुद्रा मीन्स री इन्फ्लेशन कहते हैं हम उसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग हैज बीन प्रपोज्ड बाय द सैंडलेंस कमिटी ऑफ यूके, इसमें से कौन सा मेथड जो है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के द्वारा प्रपोज्ड किया गया है? तो जनरल प्राइस लेवल मेथड, स्पेसिफिक प्राइस लेवल मेथड, सी है करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, की डी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो वो कौन सा मेथड है? करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, मीन्स चालू लागत लेखांकन विधि। इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि मुद्रा प्रसार लेखांकन की चालू लागत लेखांकन विधि यूके के सैनलिन समिति द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट वन विद द लिस्ट टू एंड हाई लेवल फंड किससे रिलेटेड है? इंक्रीज इन बैंक, इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो इसका आंसर हम लोग सीधे देखते हैं कि क्या होता है कि जो उच्च लोतक कोष जो होते हैं वित्तीय जोखिम से रिलेटेड, बैंक दर में वृद्धि जो है ब्याज दर जोखिम से, मुद्रा स्फीति जो है क्रय शक्ति जोखिम से, या राजनीतिक अस्थिरता जो है बाजार की जोखिम से। इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड इंश्योर स्टेबिलिटी इन मनी मार्केट, मतलब मुद्रा स्फीति को नियंत्रण और मुद्रा बाजार की लिक्विडिटी को सुनिश्चित करने के लिए हम क्या करते हैं? पहला ऑप्शन दिया है कि द आरबीआई वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मींस जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत क्या है, काम करता है। दूसरा पॉइंट कहता है द आरबीआई एक्ट्स इंडिपेंडेंटली एंड कैन रिफ्यूज द गवर्नमेंट डायरेक्टिव, मीन्स आरबीआई जो होता है वो इंडिपेंडेंटली मीन्स स्वतंत्र रूप से क्या हो सकता है, कार्य कर सकता है, और वो सरकार के जितने भी जो भी वो उनके निर्देशों को क्या हो, मना नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट क्या था, द आरबीआई कैन
एक्ट अंडर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आरबीआई जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन कार्य करता है, एंड डी जो है आरबीआई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स शेल अबाइड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टिव, मीन्स आरबीआई का बोर्ड ऑफ गवर्नर सरकार के निर्देशों का पालन करेगा। तो इसमें जो ऑप्शन बी हो जाएगा कि जो आरबीआई होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी इंटरडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, और उनके जो निर्देशक होते हैं सरकार के निर्देशक को वो मना नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। मीन्स जो होता है कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण और मुद्रा बाजार की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और सरकार के निर्देशों को क्या है मना नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति का सबसे बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है, धनी वर्ग पर, विनियोजकों पर, निर्धन वर्ग पर, कि डॉक्टर्स पर? तो इस पर इसका जो इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का सबसे बुरा जो बी पे पड़ता है निर्धन वर्ग पर पड़ता है, क्योंकि इस बाजार स्थिति में हम जो वस्तुओं होती हैं, जो प्रोडक्ट और जो सर्विसेज की कीमतें बढ़ती जाती हैं और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और निर्धन वर्ग की वस्तुओं की अपेक्षा क्या होती हैं अधिक महंगी हो जाती हैं। नेक्स्ट है, उत्पादन के कारकों में सबसे अधिक नाशवान कौन होता है, भूमि, श्रम, पूंजी के उद्यम? तो उत्पादन के कारकों में जो सबसे अधिक नाशवान जो होता है वो हमारा ऑप्शन बी लेबर होते हैं, बी श्रम होते हैं। अब देखिए, प्रोडक्शन के हमारे पांच कारक होते हैं, लेबर, लैंड, लेबर कैपिटल, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और सहार। मतलब इन चारों जो रिसोर्सेज की वजह, इन चारों सोर्सेज की वजह से सबसे अधिक श्रम सबसे अधिक नाशवान होता है, क्योंकि श्रमिक के श्रम की एक मिनट भी होने नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, मुद्रा प्रसार के दौरान मुद्रा का मूल्य क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है कि इनमें से कोई नहीं? तो मुद्रा प्रसार के दौरान जो मनी का जो वैल्यू होता है वो क्या है, घटता है। क्यों? क्योंकि वस्तुओं का घटता और वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है, अर्थात इससे क्या होता है कि मुद्रा प्रसार में बाजार की वो सिचुएशन आ जाती है जब बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की तुलना में मुद्रा की मात्रा क्या है अधिक हो जाती है, और मुद्रा का मूल्य कम और वस्तु का मूल्य क्या है अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के मूल्य निर्धारण का सिद्धांत है, मुद्रा का वस्तु सिद्धांत, मुद्रा का राजकीय सिद्धांत, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत? तो कौन सा मुद्रा है, तो वो हो जाएगा मुद्रा का परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है मूल्य निर्धारण का सिद्धांत है। और मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का आविष्कारी इटली के जो है इकोनॉमिक्स जो है डबल जिलनी ने किया था, और जॉन लॉक एवं डेल ह्यूम के अनुसार इनका जो डेवलपमेंट किया गया, बेसिकली ये अमेरिकन जो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर फिशर ने ही आधुनिक काल में इसकी जो बहुत डिटेल में इसकी व्याख्या की गई थी। नेक्स्ट है, मुद्रा प्रसार की स्थिति में मुद्रा का क्या मूल्य है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है कि सोमे बढ़ता है फिर घटता है? तो देखिए, मुद्रा प्रसार में जो मनी की वैल्यू होती है बेसिकली वो क्या है, घटता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जब वस्तुओं जो भी हमारी प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज होती हैं उसकी कंपैरिजन में जो मनी की वैल्यू है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, और इससे तुलना की मुद्रा क्या है परचेसिंग पावर भी कम हो जाती है, जबकि मुद्रा संकुचन की स्थिति में मुद्रा का मूल्य क्या है बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही। भारत में मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए इनमें से कौन सहायक नहीं है, क्षमता का उत्तम उपयोग, कृषि पदार्थों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसी है राजकोषीय घाटे में कमी, की सार्वजनिक वितरण प्रणाली? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राजकोषीय घाटे में कमी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। कहते हैं कि भारत में जो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए उत्पादन क्षमता का कुशलतम उपयोग, किसी पदार्थों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली राजकोषीय घाटे में कमी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। रुपये के अवमूल्यन से क्या आशा है, सिक्के के भार में कमी, रुपये की घरेलू क्रय शक्ति में कमी, सी कहता है रुपये की बाह्य क्रय शक्ति में कमी, कि डी रुपये के अंकित मूल्य में कमी? तो रुपये के अवमूल्यन से आशा क्या होता है कि रुपये की जो बाह्य क्रय शक्ति है उसमें हमारी कमी आ जाती है, और इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी एक देश की कंट्री की जो मनी होती है कम कर दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा अवलोकन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है, क्योंकि जो विदेशी जो मुद्रा होती है उसके कंपैरिजन में देश की मुद्रा को क्या है कम कर दिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापने के प्रयोग में लाया जाता है उपभोक्ता मूल्य संचयन। अब भाई इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास बहुत मेथड्स हैं, तो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि कितने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है और उस इन्फ्लेशन को कैसे मेज़र किया जाता है, तो जिससे भी प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। भारत में जो मुद्रास्फीति को मापने के लिए बेसिकली इनमें से सभी जो है मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स इसे हम बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही। तो भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो ये सारी चीज़ें, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही। मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ किसको होता है, व्यापारी वर्ग को, उपभोक्ता वर्ग को, वेतनभोगी वर्ग को, की उपयुक्त सभी को? तो मुद्रास्फीति से सबसे जो अधिक प्रॉफिट होता है वो व्यापारी वर्ग को होता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग का होता है क्योंकि कीमतों में हम प्राइसेस में जब
जब इंक्रीज करते हैं तो इनके लाभ की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। मुद्रा प्रसार किसके कारण होता है, अत्यधिक मुद्रा निर्गमन, उत्पादन में कमी, घाटे का बजट के उपयुक्त सभी। मुद्रा प्रसार जो है वो किसके कारण होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अत्यधिक जो मुद्रा निर्गमन की वजह से भी उत्पादन में कमी, घाटे का बजट, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इसमें ये होता है कि मुद्रा प्रसार का असर उस स्थिति है जब वस्तु की तुलना में मुद्रा की मात्रा अधिक होती है और परिस्थिति में बाजार की तुलना में मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है। इसमें पहला, अधिक मुद्रा का निर्गमन करने से, उत्पादन में कमी होने से, सरकार द्वारा घाटे का बजट करने से, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें सही। तो आई होप आप लोग को ये MCQ समझ में आए होंगे। जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो भी आप देख लीजिए। ओके, थैंक यू।